सामान असा। आ गया है शान अस्सलाम रमजान अस्सलाम है रमजान अस्सलाम। क्यों ना तू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल अकरमीन अफजलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। محترم ناظرین اکرام, آپ حضرات نشا ٹی وی کی جانب سے روزانہ رمضان کا یہ خصوصی پروگرام عظمت रमज़ान के उन्वान से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला का बहुत ही बड़ा फजल करम है कि ये प्रोग्राम हमारा रोज़ाना आप निशा टीवी पर देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि रमज़ान के फजाइल, रमज़ान की अजमतें और रोज़े के जो फजाइल है, रमज़ान की जो खसूसी इबादतें हैं, उन तमाम इबादतों की फजीलतों को वाकिफ़ करवाना, ताकि एक मुसलमान जब रमज़ान की अहमियत को जानने की कोशिश करेगा, रमज़ान के फ़ज़ाइल, रमज़ान में क़ुरान और हदीस हमसे क्या कहते हैं, हमको कैसी रमज़ान में ज़िंदगी गुजारना है, ये सारी बातें आप हजरात के सामने पेश की जा रही है। हजरात कराम, अल्लाह तबारक ताला का ये बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उसने हमको रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक ताला की रहमतों को समेटने का मौका इनायत फरमाया। वरना हम में से कितने ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे दरमियान थे, हमारी नमाज़ों में थे, हमारे साथ तरावी पढ़ा करते थे, हमारे साथ इफ्तार किया करते थे, हमारे साथ शहर में मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज वो हमारी सफ़ों में मौजूद नहीं है, क्योंकि आज वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पहुँच जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको इस महीने में ज़िंदा रखा, सांस लेने का मौका इनायत फरमाया, सेहत और तंदरुस्ती से अल्लाह तबारक ताला ने हमको ये महीना अता फरमाया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस महीने का पूरा पूरा हक अदा करें। रमज़ान के महीने की
हक तलफी करने की बजाय हमें रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए उसका पूरा पूरा हक अदा करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़ों को ईमान व एहतसाब के साथ रखता है, इखलास के साथ रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो नाज़रीन किराम, मालूम हुआ कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो गुनाहों का कफारा भी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के रोज़ों के ज़रिए उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और रोज़ा ऐसी इबादत है कि रोज़ा रखने से जन्नत वाला मिलता है, जैसा कि ज़कात देने से जन्नत मिलती है और हज करने से जन्नत मिलती है, नमाज़ पढ़ने से जन्नत मिलती है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा रखने से जन्नत वाला मिलता है, जैसा कि हदीस खुदसी में अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है कि असौमली वाना अज़ा भी, कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और उसका बदल मैं खुद हूँ। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन रोज़ा बहुत ही मुखलिस इबादत है, उसका अज्र अल्लाह तबारक ताला अपने हाथों से देने वाले हैं। तो अब कितना अज्र देंगे हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम रोज़े को पाबंदी के साथ रखें, बिला उज़्र शरई रमज़ान का एक रोज़ा भी ना छोड़ें। इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ता है और उसकी पादाश में अगर साल के 11 महीने भी मुसलसल रोज़े रख लेता है तो अल्लाह तबारक ताला रमज़ान के एक रोज़े के बराबर उसको सवाब नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन किराम, रमज़ान के रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए, और फिर रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक ताला ने हमको अता फरमाया, ये ऐसा मुतबरिक महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला बंदों की मगफरत फरमाते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उनकी तौबा को कबूल फरमाते हैं, उनकी दुआओं को कबूल किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, हमारा ये तरीक़े अमल होना चाहिए कि हम इस महीने को गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में सिदक़े दिल से रुजू रहे, नमाज़ों का अहतमाम करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनाएं, और कलमे तैयबा का विर्द रखें, और दोज़ख़ से पनाह मांगें, और जन्नत से जन्नत को तलब करें, और क़ुरान मजीद की तिलावत से हमेशा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें कि क़ुरान मजीद अल्लाह तबारक ताला का वो मुक़द्दस कलाम है जो अल्लाह तबारक ताला ने इसी महीने में नाजिल फरमाया। तो हमको मौका है नमाज तरावी में कुरान सुनने का, सुनाने का, तो हमें नमाज तरावी से इस्तेफादा करना चाहिए, नमाज तरावी में कुरान सुनने का अहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी उतना ही अजर सवाब इनायत फरमाते हैं। और फिर रमज़ान के महीने में यह कुरान का सुनना और सुनाना दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन की सुन्नत करीमा है कि जब भी रमज़ान का महीना आता तो हज़रत जिब्राइल अमीन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को कुरान सुनाया करते थे। तो रमज़ान का आखिरी अशरा हम पर साया फिगन है, और आखिरी अशरा जो दोज़ख़ से खलासी का अशरा है, अल्लाह तबारक ताला अपने गुनाहगार बंदों को दोज़ख़ की आग से नजात अता फरमाते हैं, और हम गुनाहगारों की बख्शिश की खातिर अल्लाह तबारक ताला ने इस आखिरी अशरे में एक मुतबरिक रात को पोशीदा रखा है जिसे हम शब कद्र कहते हैं। शब कद्र का मामला ऐसा है कि इस रात को ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताख रातों में इसको तलाश करो। तो नाज़रीन किराम, इस रात की जुस्तजू और इस रात की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से अच्छी तरह लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की जुस्तजू में, इस रात की तलाश में एक मरतबा सारा रमज़ान एतिकाफ में गुजार दिया, और आपकी इब्तिदान ये आदत करीमा थी कि रमज़ान के चांद से लेकर ईद उल फित्र के चांद तक एतिकाफ बैठा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, ये सारा रमज़ान एतिकाफ की क्या ज़रूरत है? तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा, शब कद्र को रमज़ान में तलाश करने का हुक्म है और मैं तलाश करके रहूँगा। तो नाज़रीन किराम, गौर फरमाइए, ये रात कितनी अजमतों वाली रात होगी, कितनी बरकतों वाली रात होगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हासिल करने के लिए सारा रमज़ान एतिकाफ में गुजार दिया। तो हमारा भी ये तरीक़ा अमल होना चाहिए कि हम रमज़ान के महीने में अपने आप को बारगाह रब्बुल इज्जत से रुजू रखे, और जब शब कद्र का मामला है, शब कद्र को रमज़ान के
आखिरी ताखरातों में ढूंढने का हुक्म दिया गया। तो नाज़रीन किराम, तीन ताखरातें तो गुजर चुकी है, अब सिर्फ दो ही ताखरातों का मामला रह गया। तो मेरे भाई, अब दो ताखरातों का मामला रह गया, हमें इन दो ताखरातों में अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से रुजू होना है, तौबा इस्तिगफार करना है। ये ऐसी मुतबर्रिक रात है कि हदीसे मुबारका में आता है कि हजरत जिब्राइल अमीन इस रात एक झंडा लेकर दुनिया में तशरीफ लाते हैं और इस झंडे को काबतुल्ला की छत पर नसब किया जाता है, और हजरत जिब्राइल के 200 बाजू हैं और दो बाजू इसी दिन खुलते हैं जो मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक ताला हजरत जिब्राइल को इस रात दुनिया में भेजता है, और हजरत जिब्राइल के, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि 100 बाजू हैं जिनमें से दो बाजू इस दिन खुलते हैं, वो बाजू मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्राइल फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि सारी दुनिया में फैल जाते हैं फरिश्ते हजरत जिब्राइल के साथ, और फिर हजरत जिब्राइल फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों, जो कोई मुसलमान आज रात क़ियाम में है, नमाज में है, जिक्र में मशगूल है, उससे सलाम और मुसाफा करो और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। चुनाचे सुबह तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो नाज़रीन किराम, सुबह होने पर हजरत जिब्राइल से फरिश्ते पूछते हैं कि ऐ जिब्राइल, अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हाजात के बारे में क्या किया? तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर खुसूसी नजर करम फरमाई है और चार किस्म के लोगों के अलावा तमाम लोगों को माफ कर दिया है। सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो चार किस्म के लोग कौन है जो इस रात अल्लाह तबारक ताला की बख्शी से महरूम हो जाते हैं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला आदि शराब यानी शराब का आदि, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा खता रहमी करने वाला, और चौथा आपस में कीना बग्ज रखने वाला। तो नाज़रीन किराम, गौर फरमाइए कि शबे कदर किस कदर अजमत वाली रात है कि अल्लाह तबारक ताला हर खास व आम की बख्शिश फरमा रहा है, लेकिन चार किस्म के लोगों की निशानदेही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इस रात ये चार किस्म के लोग भी अल्लाह ताला की बख्शिश से महरूम हो जाते हैं। शराब का आदि, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब तमाम दुनियावी तमाम गुनाहों की जड़ है। तो शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है, तो एक मुसलमान हरगिज हरगिज शराब के करीब नहीं जाना चाहिए। और रिवायतों में आता है कि जब शराब का प्याला किसी मुसलमान के होंठों के करीब जाता है तो उसका ईमान रुखसत हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, शराब कैसी बुरी लानत है, कैसी बुरी बला है, इसको गुनाहों की जड़ कहा गया। और शराब पीने की मसरूफियात में जब बंदा रहता है तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाता है। तो हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। और वालदैन का नाफरमान, देखिए वालदैन का नाफरमान भी इस रात अल्लाह तबारक ताला की बख्शिश से महरूम हो जाता है। वालदैन का बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा होता है, बहुत ही बुलंद और बाला दर्जा होता है। वालदैन हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला की नेमत होते हैं। वालदैन हमको पालते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं। जब हम मासूम थे, छोटे थे, तो अपनी रातों की नींद खराब करके हमारी देखभाल किया करते थे। तो वालदैन के एहसानात बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक ताला ने वालदैन का जो मकाम व मर्तबा बताया है, अगर हम उसको गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम वालदैन के साथ जो सुलूक कर रहे हैं, जो मामला कर रहे हैं, वो यकीनन हमको जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो जो लोग वालदैन की नाफरमानी करते हैं, वालदैन का कहा नहीं मानते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उनको जहन्नम रसीद फरमा देता है। और अल्लाह तबारक ताला हर गुनाह को माफ कर देता है, लेकिन वालदैन के नाफरमानी के गुनाह को कभी माफ नहीं करता। तो नाज़रीन किराम, हमको चाहिए कि हम अपने वालदैन का एहतराम करें।
उनका अदब व एहतराम करे। और फिर नाज़रीन-ए-किराम, एक तारीख की किताबों में वाक़ आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ये वाक़ा है कि एक मरतबा आपके एक सहाबी हज़रत अलखमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सकरातुल मौत तारी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा कराम को हज़रत अलखमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर भेजा ताकि कलमे की तलखीन की जाए। तो सहाबा कराम हज़रत अलखमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे और उनको कलमा तैयबा की तलखीन की। नाज़रीन-ए-किराम, एक वक्फे का वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला ये इस अधूरी बात को वक्फे के बाद मुकम्मल किया जाएगा। हम इस उम्मीद के साथ आप हज़रात से थोड़ी देर के लिए दूर हो रहे हैं कि आप हज़रात हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे।